वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत होंगे, शुक्र अल्लाह का आप सबकी दुआ से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज, आप सबको मेरी तरफ से रमादान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह आपको इस महीने में आपके घरों को बहुत बरकत दे, आपके दस्तरखानों को वसी कराए, आपस में बहुत मोहब्बत पैदा करे। और आप मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। सो गाइज, आज तो मैं अपने फ्लैट पे ही हूँ, लेकिन मतलब पहली सहरी मैं अपने फ्लैट पे कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम थे यहाँ पे, वो सारे काम मैंने निपटा लिए अल्हम्दुलिल्लाह। जस्ट शावर लेकर आई, तहज्जुद अदा की, उसके बाद मैंने सोचा कि व्लॉग शुरू करती हूँ, क्योंकि रमजान में पूरे गाइज इस चीज में मैं कंफ्यूज रहती हूँ। मेरी मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स जो बाहर के, वो सब रमजान बोलते हैं, और हमें आदत है रमजान बोलने की, पर उनकी वजह से मैं भी रमजान ही बोलती हूँ। तो गाइज, आप सबको मैं बताती हूँ कि आज बस मेरी पहली सहरी यहाँ पर है, क्योंकि कल मुझे यहाँ पे बहुत सारे काम थे, बस अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे काम मैंने अब निपटा लिए हैं। आज दोपहर में मैं यहाँ से चले जाऊँगी घर पर, क्योंकि रोज़ों का मज़ा तो अपने घर पर ही है, यहाँ अकेले रह के मैं क्या ही करूँगी। और वो जो मज़ेदार चीज़ें हैं वो तो घर पर ही लोग बना सकते हैं, मेरे तो बस की है भी नहीं। तो बस अभी हम सहरी के लिए, क्योंकि मैंने शावर ओवर लिया, और अब हम सहरी वगैरह करेंगे। और बस गाइस, बहुत सारी दुआओं की तवक्को है आप सब से मुझे, कि आप मुझे दुआ खैर में याद रखेंगे। अल्लाह ताला आप सब की भी इस रमजान के सदके में, हम सब इतने गुनाहगार हैं, हमारे भी गुनाहों को माफ करे, आपके भी गुनाहों को माफ करे, हर जायज दिली तमन्नाओं को पूरा करे, आपकी भी और हमारी भी। तो दुआ खैर में याद रखिएगा, हर नमाज में, हर रोजे के वक्त की दुआ में मेरा नाम ले लेके दुआ करिएगा प्लीज। मुझे आपसे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप मेरे लिए दुआएं करेंगे, दुआएं खैर करेंगे, और इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए बहुत सारी दुआएं करूंगी। तो बस जल्दी से सहरी की तैयारी कर लेते हैं। तैयारी तो ऑलमोस्ट है ही, रात में ही मैंने सालन वगैरह बना लिया था, कीमा वगैरह, तो बस उसे ही गर्म वरम करते हैं और फिर अपना सहरी करते हैं, आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। बाकी घर भी जाऊंगी, वो सारी चीज़ें भी दिखाऊंगी। और गाइज, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब डेली व्लॉग्स आएंगे, रमज़ान के 30 व्लॉग आपको हाजिर होंगे मेरी तरफ से। तो बस जल्दी मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और दुआ करें कि इस रमजान मेरा चैनल वायरल हो जाए। इंशाल्लाह आप भी एक इंशाल्लाह जरूर लिखिएगा कमेंट में, उससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग चाहते हैं कि हाँ अल्लाह ताला मुझे तरक्की दे जिंदगी में, और कितने लोग मुझसे प्यार करते हैं। तो चले जल्दी से सहरी शुरू करते हैं, फिर आगे की सारी चीज आपके साथ शेयर करती हूँ। ये रोटियां हमारी बन चुकी थी, पहले ही बना ली थी मैंने, और इधर हमारी चाय भी बन गई है, कीमा हमारा गर्म हो चुका है, थोड़ा सा पालक आलू भी था तो वो फ्रिज में अभी रखा हुआ है, वो भी निकाल के गर्म करेंगे, बस फिर सहरी करेंगे और आपको सारी चीजें अभी दिखाएंगे। फिर बदतमीजी। तो गाइज आप देख सकते हो मेरी चाय आ गई है, बस इधर आओ। इसको अंदर, अरे बेबी कूट देगी मेरे साथ। बस हमारी सहरी इस तरीके से हो रही है, ये लोग खा रहे हैं रोटी वगैरह, मैं नहीं खाऊंगी गाइज, क्योंकि आज मेरा दिन नहीं है, मैं बस चाय पीऊंगी और रोजा रखूंगी। तो गाइज आज का इतिहास बदल चुका है, चुन्नू कभी भी अपने मग्गे से नीचे चाय नहीं पीता, लेकिन मैंने देखो क्या कर दिया। आसिम को गाइज यहाँ तक चाय चाहिए, यहाँ तक मतलब चाय गिर जाए बेशक, लेकिन आसिम का मग जो है वो भरा होना चाहिए आज बेचारे के साथ। मैं तो आज बस रोजा रखना, हम इतनी पीते हैं, मैं बस चाय पीऊंगी और रोजा रखूंगी, फिर पीटने वाले। और जो लोग भी मेरा शायद नुस्खा इस्तेमाल करते हैं, उन सबको डाइट चार्ट अगर चाहिए रमजान का, तो रमजान का डाइट चार्ट अगर आपको चाहिए तो मुझे आप मैसेज कर दिएगा या व्हाट्सअप कर दिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगी। आधे लोगों को मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, जिनको नहीं कर पाई हूँ वो लोग मुझे मैसेज कर दिएगा। ठीक है गाइस, अब बस हम सहरी करते हैं, सहरी करने के बाद हमें बहुत सारे काम है जो हमें करने हैं, नमाज वगैरह से फारिग होके वो हम करेंगे, आगे जो भी करते हैं अभी आपको दिखाते हैं। ओके गाइस, निकल चुके हैं घर जाने के लिए, हमारा सब सामान है इधर, आसिम इधर, अलीना। हम निकल चुके हैं घर जाने के लिए, अलीना भी, अमीना भी, ये हमारा सब सामान है। अब यहाँ से शुरू होगी बहुत प्यारी रौनक, यानी हमारे जाफराबाद की रौनक, आप देख सकते हो सामने, यहीं आके लग रहा है कि हाँ कि रमजान स्टार्ट हो चुके हैं, वहाँ तो गए जैसा लग रहा था जैसे कुछ है ही नहीं। आसिम इधर कर ले, देख के तब माशाल्लाह।
अब लग रहा है कि हम अपनी जगह पे आ चुके हैं। वहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। देख सकते हो आप कितना ट्रैफिक हो रहा है जाफराबाद के अंदर, तो मच रश हो रहा है यहाँ पे। तो बस एक गली आगे बाज लग रही, लेकिन यहाँ से तो निकल जाए। ये बच्चे देखो कैसे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है यहाँ पे गाड़ी लेकर आके। लोग हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हमने पता नहीं क्या कर दिया। हेलो सो गाइस, ये आ गई हमारी सलाम अलैकुम। आपका सारा काम हो गया क्या? हो गया। हाय जी, मेरा प्यारा सुभान जी इनायत, तुम्हारे लिए लगवाई है सारी लाइट। हमने लाइटें ठीक नहीं कराई ना बाजी, सच बता। डाइनिंग टेबल में भी लगवा ली और ये भी लगवा ली, डाइनिंग टेबल। तो गाइस यहाँ बाजी बना रही है अपने, वही आपको पता है बाजी का तो माशाल्लाह कितनी सारी वैरायटीज होती हैं। तो अभी बाजी लगी हुई है काम में, अभी मैं जल्दी से असर की नमाज पढ़ लेती हूँ, बहुत लेट हो गए, फिर आपको दिखाती हूँ आगे की चीज है। देखो अद्दू, अद्दू सलाम करो सबको। सलाम गाइस, कैसे हो पूछो। सब बन रही है हमारी पालक और आलू प्याज की मिक्स वाली पकौड़ियाँ। इधर अद्दू कर रहा है कुमल को परेशान, परेशान अभी कपड़े पहन लिए गए, नाली में गिर आया। और फिर बदले, अब तो स्मार्ट सा लग रहा है। तो गाइस कोमल ने सब कुछ नया करा है अपने किचन में, देखो देख सकते हैं आप। इन्हें स्लिप भी चेंज कराई है और अपनी गैस भी चेंज, अपनी कढ़ाई भी चेंज। बस कोमल पुरानी है, सामान सारा नया है, नई मिक्सी लिए कोमल ने, नया ओवन लिया है, सारा सामान नया नया लिया है जो मैं लाया था। और ये मौलाना इनायत यहाँ बैठे हुए हैं। ये मैं आप सबके सामने आते ही मैंने कोमल का दुपट्टा निकाल के ओढ़ लिया, क्योंकि मेरे पास दुपट्टा था ही नहीं। मम्मी ये हमारी प्यारी सी मस्जिद और गली, आप देख सकते हो हमारी कितनी अच्छी सज रही है। गाइस यहाँ पर बाजी पकौड़ी पे पकौड़ी तले जा रही हैं। और ये अगर आप यहाँ पर फ्रूट चाट बना रही है, और इन दोनों को देखो आतंकवादी, ये हमारे प्यारे भाई देखो है कच्चे ईमान वाले। हेलो, तो गाइस ज्यादा सामान रखा है हमारा यहाँ पर। अरे कहना क्या चाहते हो। चलो हमारा दस्तरखान आप देख सकते हैं, पहले रोजे का पहला दस्तरखान अल्लाह ताला ने माशाल्लाह कितनी अच्छी बरकत दी है। हमारा रोजा आया अभी, पहला रोजा यार अद्दू, कल भी तो था। कल चांद रात थी, कल बाहर कंट्री में रोजा था। ये देखो कैसे चुरा चुरा के खा रहा है। तो गाइस माशाल्लाह से देखो मेरा मानत कितना छोटा सा है, पूरे रोजे रखता है। इंशाल्लाह अगले साल से हमारा अद्दू भी रखेगा, अभी अद्दू तो बहुत ही छोटा है। और अभी मेरा अमानत पे फर्ज भी नहीं है रोजे, फिर भी रख रहा है इतनी छोटी उम्र में भी माशाल्लाह से। अल्लाह मेरे बच्चे के रोजे कबूल करे। मुझे एक बात करनी, मेरी रोजा खुशहाली आज आ जाओ तो अल्लाह बहुत गाइस, इसका हर साल, इसकी हर साल रोजा खुशहाली होती है। इसके बेचारे के रोजा खुशहाली कराने की तमन्ना थी पर हो नहीं पाई। तो गाइस हमारा सब कुछ आ गया है, बस हमारी कचरियां रह गई है, वो आप ही लेकर आ रही है अभी। ये देखो ये आप ही की बरनी है चटनी की, इसमें चटनी, इसमें चटनी निकाल लो, इसमें हम चटनी निकाल लेते हैं। अमन निकालो बेटे एक चम्मच से चटनी, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप निकाल लो, ज्यादा मत निकालना हमारा था ना, बस एक चम्मच और निकाल लो बस बस। अरे आ जाओ आप, देखो देखो हासिल करे वे सब जाहिल है मेरे भाई की नस्ल में आगे देनी है। और इसमें चाचा का भाई देखो मुंह को कुछ नहीं चपावा, ये जो है मेरे भाई ने एमए और बीए दोनों साफ करा हुआ है। और क्या रोजे छोड़ते हैं हम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कोमल सब सब चीजों में तू पैसा खर्च कर रही है, पेंट क्यों नहीं करा रही फिर? अरे ये हमारे मियाँ के आल कसम टाइले लग रही थी, टाइले लगेंगे लगेंगे, अब मन का बुला लो, बहुत ठंड हो रही है, गर्मियों में लगवाई गर्मियों में।
रमजान चल रहे ना वो तो गाइस ये आया है हुक्के की तलाश में और हुक्का हम लाए नहीं है। 800 रुपए में दिलवा दे 10 12 ले लूंगा बाहर दुकान लगा मैं दिलवा रहा हूं बता कहां पे आया है दिलवा रहा है के पांच आए घर के नीचे। लीना बनाने लगी है यहां पर चाय नमाज वगैरह सबसे फारिग हो गए हम लोग लेट बैठ गए थे और ना ही हमने जब हम बचपन में खेलते थे मैं तो इसे फोड़ देती थी सबको हाथों में लेके कोमला। अरे मैं कुछ कर नहीं रही बाजी खाली देख रही हूँ उन्होंने कलेक्ट की है ये उन्होंने बनाई है। ओके तो गाइस मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हम सबने बहुत अच्छे से रोजा खोल लिया है अब ये बना रही है चाय फिर हम चाय पियेंगे और आपसे बातें करेंगे। तो गाइस मेरा तम्मू आया देखो हाँ कमाश आयो ना आप कहाँ से आयो तुम्हें माँ ठीक गंदा बच्चा नोज में फिंगर कर रहा कितना गंदा है बेबी तो गाइस देखो मैं रास्ते में एक बच्चे को कह रही थी कि वो नोज में फिंगर कर रहा है और इतना गंदा बच्चा है तमीम भी इतना ही गंदा बच्चा है तो गाइस ये मेरी एमन प्यारी सी लड्डू देखो बिहारी लग रहा है बिल्कुल तमीम रोजा था भाई ये इतना बड़ा कोमल आपी का हर साल की तरह हो गया है किसी तो पाल पे क्या हुआ क्या गिरी मैं डाइटिंग पे हूँ मैं नहीं खाती बेटी मेरे लिए नहीं लाई कहाँ है ये लाई नहीं इनने खा ली खाली अद्दू कुछ और लेकर आया गंदा अद्दू और मेरा तमीम लाया आइसक्रीम सुभान लाया है राशिद की बिरयानी रात को दे दे चाट ले मत तभी नहीं मत कर ये मेरी हो या सब हो गई होगी मैं बहुत भूखा लग रहा हूं आज गाइस 2 घंटे लगे हैं मैं सारी पूरी होने देखो गाइस फोन पे फॉग फॉग ओ माय गॉड जान निकल गई आज आगे में अद्दू की बात व्लॉग में लेने वाली थी अद्दू गया पत्तू से इधर मोहल्ले घर से नहीं मैं ले आऊंगा बाइक पे मैं ना ले आएगा बाइक बाइक पे ना कम घूमा कर तू अभी बाप बनवा दूं तुझे क्या है बड़ा गया वो साले भोग दूंगा पेट में अभी मम्मा ला दी मुझे कम बराबर में पापा सो रहे हैं इसको खोल तो इसका मुंह बताऊंगा ना तभी छिनवाऊंगा अभी बाइक अभी मजा आएगा ना भिड़ो सब हम नाश पी रहे हैं लास्ट अपनी चाय और करते हैं व्लॉग का एंड जो कुछ हमने किया वो आपको दिखाया इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे आपको रोज व्लॉग देखने को मिलेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।